चलो देखो, आज हम लोग बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का, ठीक है। तो समझो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता क्या है। जैसे कि नाम देख रहे हो तुम, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मतलब क्या हुआ, जब हमारे पास दो या दो से अधिक फंक्शन है और उसको मिला दें तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कहने का मतलब दो या दो से अधिक फंक्शन को जब हम लोग क्या करते हैं, प्लग करते हैं, मिलाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का मतलब जोड़ नहीं होता है, ऐसे नहीं कि दो फंक्शन है दोनों को जोड़ दो तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहलाता है, नहीं ऐसा नहीं है। क्या होता है समझो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जिससे तुम बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता क्या है, फिर हम इसके बारे में और आगे बढ़ेंगे, इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो देखो सबसे पहले कि मान लो हमारे पास एक सेट है, ठीक है, ए, एक सेट है बी, एक सेट है सी, ठीक है। मान लो ए जो सेट है ना, वो तुम्हारे स्कूल के स्टूडेंट्स का सेट है। तो स्कूल में जो भी स्टूडेंट्स होते हैं सबका क्या होता है, रोल नंबर होता है। तो मान लो कि स्कूल में जो है ना पांच बच्चा है, उसका रोल नंबर है 1 2 3 4 5, सपोज कर ले, बच्चे तो बहुत होते हैं, बट सपोज कर ले कि स्कूल में मेरे क्लास में पांच बच्चा है ना, तुम्हारे क्लास में पांच बच्चा है, तो पांच बच्चा का रोल नंबर 1 2 3 4 5 रहा होगा। अब क्या हो रहा है, एग्जाम दे रहा है ना, बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, एग्जाम दे रहा है, जैसे बोर्ड का एग्जाम होता है, तो एग्जाम देगा। तो एग्जाम देने के बाद सब लोगों ने अपने अपने कॉपी पर क्या कर दिया, सब लोगों ने अपने अपने कॉपी पर रोल नंबर लिख दिया, ठीक है। बट अभी बोर्ड का रूल क्या हुआ है, बोर्ड का रूल क्या होता है कि वो क्या करता है, रोल नंबर को हटा देता है, उस रोल नंबर की जगह पर क्या एक कोड डाल देता है, ठीक है, कि अब जो है ना एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला, उसको ये पता ना चले कि ये किसका कॉपी है। क्यों? क्योंकि वो जो कोड है ना वो तो बोर्ड को पता है सिर्फ, है ना, वो क्या कहते हैं, स्टूडेंट को भी नहीं पता है कि मेरा कोड क्या है, और एग्जामिनर को भी पता नहीं है कि किस स्टूडेंट का ये कोड है। तो फिर क्या होता है कि हेरा फेरी नहीं हो पाता है ना। तो समझ लो, मान लो कि ये बी क्या है, तुम्हारा बोर्ड है ना, बोर्ड जो है ना कोड निकाल के रखा है, बोर्ड के पास जो कोड है वो कोड है मान लो ए बी सी डी ई। बोर्ड ना क्या क्या है, बोर्ड का फंक्शन है, इसमें कोड है, ये सारे कोड है, तो ये सारे कोड मिल सकते हैं किसी ना किसी स्टूडेंट को, ठीक है, ऐसा कोडिंग है। ये फंक्शन मान लो ए से बी में एक फंक्शन है हमारा एफ, तो एफ फंक्शन क्या करता है, कोड लगाता है, एफ फंक्शन क्या करता है, कोड लगाता है, ठीक है। तो एफ फंक्शन क्या होता है, एफ को तुम क्या करो, एक रोल नंबर दे दो, वो तुम्हारा एक कोड जनरेट कर देगा। तो F कोड लगाता है, तो मान लो कि 1 का कोड आ गया A, 2 का कोड आ गया B, 3 का कोड आ गया C, 4 का कोड आ गया D, 5 का कोड आ गया E। हम यहाँ कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे, हम बहुत इजी ले रहे हैं, ठीक है, बहुत इजी ले रहे हैं। अब तुम बोलोगे सर तब तो पता ही चल जाएगा कि अच्छा 1 रोल नंबर वाले का A कोड होगा, 2 रोल नंबर वाले का B कोड होगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है 1 रोल नंबर वाले का E कोड हो सकता है 5 रोल नंबर वाले का B कोड हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट इजी समझने के लिए हम लोग समझ लेते हैं कि चलो ठीक है, कोड लग गया, 1 का ए कोड है, 2 का बी कोड है, 3 का सी कोड है, 4 का डी कोड है, 5 का ई कोड है, ठीक है। अच्छा अब चलो ये जो है ना, ये यहां से कॉपी, ये जी फंक्शन है। अब जी फंक्शन क्या करता है, जी मान लो टीचर है जो कॉपी चेक करता है, करेक्शन करता है। तो टीचर क्या करता है, वो कॉपी चेक किया और ए कोड वाले को मान लो मार्क्स दे दिया 94, बी कोड वाले को जैसे कि मान लो दे दिया 92 मार्क्स है बी कोड वाले का, सी कोड वाले का है 89, डी कोड वाले का है 96, और ई कोड वाले का मान लो 98 है। तो ये क्या किया, जी जो एग्जामिनर था, तो एग्जामिनर ने सबका कॉपी चेक किया और जिसका जिसका कोड है उस कोड पर ये नंबर मार्क्स लगा दिया। बट तुम देखो ध्यान से, स्टूडेंट को क्या चाहिए, उसको इस कोड से कुछ लेना देना है नहीं, उसको तो क्या चाहिए भैया, रोल नंबर, और रोल नंबर के मतलब जो रिजल्ट बनेगा वो कोड से तो उसको कुछ लेना देना है नहीं, रोल नंबर, रोल नंबर से उसका क्या मिलना चाहिए, मार्क्स मिलना चाहिए। तो रोल नंबर से मार्क्स मिलना चाहिए, तो अगर हम लोग को क्या चाहिए, रोल नंबर से क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए हमको। तो इसका मतलब हमारे पास एक फंक्शन एफ आ गया, दूसरा फंक्शन जी आ गया, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको एक ऐसा फंक्शन चाहिए, ठीक है, पहले में क्या किया, कोडिंग किया एफ, दूसरे में क्या किया, मार्क्स मिला, बट हमको क्या चाहिए, रोल नंबर को मार्क्स चाहिए। तो जो हमारा फंक्शन डिफाइंड होता है वो कहां से, ए से सी में फंक्शन डिफाइंड होता है, ए से
सीन ऐसे भी तुम समझ सकते हो कि ये कोड किसको मिल गया, ये मार्क्स किसको मिल गया, कोड को, और कोड किसको मिल गया, रोल नंबर को, तो इससे क्या हो गया तुम्हारा, कोड के जगह मार्क्स लगा दिया तो इससे भी मार्क्स मिल गया। तो देखो हमारा फंक्शन जो होता है, ये जो फंक्शन ए से सी में होता है, इस फंक्शन को बोलते हैं जीओएफ, और यही फंक्शन क्या है हमारा, ये जो जीओ एफ फंक्शन है, जी और ये फंक्शन एफ और जी, इस दोनों का कंपोजिशन हो जाता है जीओ एफ, और यही फंक्शन है जो तुमको क्या करता है, मार्क्स बता देता है। अब देखो तुम मार्क्स कैसे बताता है, तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, जीओ एफ फंक्शन ले रहे हैं, तो ये जीओ एफ फंक्शन है, तो उसका डोमेन ये वाला डोमेन है जीओ एफ का, और ये वाला क्या है तुम्हारा, कोडोमेन है जीओ एफ का। तो चलो जब थोड़ा देखो ध्यान से, जैसे जीओ एफ है हमारे पास एक फंक्शन है, तो तुम देखना ध्यान से, तो जियो एफ को ना तुम एक रोल नंबर डाल दो कि रोल नंबर वन है, जियो एफ क्या है तुम्हारा, रोल नंबर वन डालने जियो एफ फंक्शन को, तो ये क्या हो गया जी एफ वन, है ना, ये क्या हो गया जी एफ वन। अच्छा तो यहां से देखो क्या आ रहा है, जी और एफ वन का वैल्यू, एफ वन कहने का मतलब वन वाले का क्या कोड है, तो वन वाले का कोड क्या ए है, तो इसको क्या बोलेंगे जी ए, और तुम थोड़ा देखो जी ए मतलब जी, जी को इनपुट ए देंगे तो आउटपुट क्या मिल रहा है हमको, 94 मिल रहा है, तो ये 94। तो देखा समझ में आया कि बस जीओ एफ फंक्शन को हम सिर्फ रोल नंबर दिया तो वो हमको क्या दे दिया, मार्क्स दे दिया। अच्छा फिर दूसरा देखो, जैसे कि हम जीओ एफ को क्या करते हैं, रोल नंबर टू देते हैं, जीओ एफ को क्या करते हैं, रोल नंबर टू देते हैं, तो टू देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जी एफ टू, और जी एफ टू का वैल्यू मतलब टू का कोड क्या है, देखो बी कोड है, टू का कोड कितना है, बी है, तो एफ टू का मतलब क्या हो गया, बी हो गया, और जीबी, जीबी कहने का मतलब बी कोड वाले को, बी कोड वाले को बी दो जी में, तो वो क्या दे रहा है हमको मार्क्स, 92। तो तुम देखो 92, इससे क्या पता चला कि जिसका दो रोल नंबर है उसका मार्क्स कितना है, 92 है। चलो अब फिर देखो जीओ एफ थ्री, तो जी एफ थ्री है, तो जी एफ थ्री, जी और एफ थ्री, एफ थ्री देखो क्या है तुम्हारे पास, तो एफ थ्री क्या है तुम्हारे पास, एफ को हम थ्री दे रहे हैं इनपुट, तो हमारा क्या मिल रहा है कोड, सी मिल रहा है, तो ये क्या है तुम्हारा जी सी, और जी, जी को सी दो इनपुट, जी को सी दो इनपुट, आउटपुट क्या मिल रहा है, 89। ठीक है, तो तुम क्या देख रहे हो यहां पे कि थ्री रोल नंबर का कितना मार्क्स आया, 89 मार्क्स आया। ऐसे तो क्या हुआ था, दो दो स्टेप में बना था हमारा, ठीक है। अब क्या किया बोर्ड ने, एक ऐसा फंक्शन तैयार किया कि बस उसमें क्या कर रहे हैं, इनपुट डालते जा रहा है, उसका रोल नंबर आते जा रहा है, तो वो कैसा फंक्शन आया, जीओ एफ फंक्शन आया। ठीक है, अब देखो यहां पर जीओ एफ फोर ले लो, तो जीओ एफ फोर, जी एफ फोर और जी एफ फोर, एफ को अगर फोर इनपुट दो तो उसका क्या आ रहा है कोड, डी आ रहा है, एफ का क्या, फोर का कोड कितना आ रहा है, डी आ रहा है, और जी डी देखो, जी को डी दे दो इनपुट तो क्या आ रहा है, 96। इसका मतलब क्या आया कि जिसका डी कोड है, सॉरी फोर रोल नंबर है, उसको कितना, 96 मार्क्स आया। अच्छा एक और देख लो, ऊपर देख लेते हैं, जीओ एफ फाइव दे दो, तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा, जी एफ फाइव आ रहा है, और जी और एफ फाइव क्या है तुम्हारा, फाइव वाले का ई कोड है, तो फाइव वाले का मान लो ये ई कोड है, ठीक है, और जी ई, अब जी को ई इनपुट दो तो मार्क्स कितना आ रहा है, 98 आ रहा है। तो समझ में आया, तो देखो क्या हुआ तुम्हारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कि जीओ एफ क्या क्या दो फंक्शन को एक साथ मिला दिया। अच्छा वो मिलाया एक डिफिनेशन के आधार पर मिला दिया, एक डिफिनेशन के बेसिस पर मिला दिया जीओ एफ को, और इससे क्या हो गया, पहला वाला सेट जो है वो कनेक्ट हो गया किसके साथ, डायरेक्ट सी के साथ, और उसमें इन्वॉल्वेशन किसका हुआ, बी का भी इन्वॉल्वेशन हुआ, ठीक है, ये भी इन्वॉल्व हुआ, बी भी इन्वॉल्व हुआ, ठीक है। तो यही होता है दो फंक्शन का कंपोजिशन। अच्छा दो तीन भी हो सकते थे, जैसे कि मान लो एक सेट और आता तो अब इसके इनपुट के साथ उसके साथ आता, जैसे कि यहाँ पे मान लो होता है ना डिस्टेंशन, है ना, फेल पास, मान लो यहाँ पे अगर एक डी बना दें और डी में लिख दें डिस्टेंशन फेल पास, ठीक है, कि जो 75 के ऊपर है डिस्टेंशन है ना, जो 40 के ऊपर है पास है, जो 40 के नीचे है फेल है, तो वो भी फंक्शन मान लो जी होता, एक फंक्शन और लग जाता हमारा, बात समझ में आया। तो दो या दो से ज्यादा फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। तो समझ में आ गया होगा ये। चलो हम लोग इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन पर आते हैं। देखो
कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। मान लेते हैं लेट f एक फंक्शन है a से b में, एंड b एक फंक्शन है, सॉरी g एक फंक्शन है b से c में। मान लीजिए कि f एक फंक्शन है a से b में, g एक फंक्शन है b से c में, ठीक है। देन कंपोजिशन ऑफ f एंड g इज डिनोटेड बाय जीओ एफ, ठीक है, जीओ एफ ए टू सी। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन डिनोटेड बाय जीओ एफ, खाली ले लो कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या चीज से डिनोट हुआ, जीओ एफ, इसको बहुत लोग गॉप भी बोलते हैं, जीओ एफ एंड डिफाइंड एज, एंड डिफाइंड एज जीओ एफ एक्स इक्वल्स टू जी एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये तुम्हारा डेफिनेशन है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का, कि लेट f a टू b एंड g b टू c, ठीक है, देन कंपोजिशन ऑफ f एंड g इज डिनोटेड बाय जीओ एफ एंड डिफाइंड एज जीओ एफ इक्वल टू जी एफ जी एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। कहने का मतलब क्या हुआ समझो, थोड़ा सा सिंपल बात देखो। जैसे कि मान लो हमारे पास एक ये a है, हमारे पास एक ये b है, हमारे पास एक ये c है, ये फंक्शन मान लो f है, ये फंक्शन मान लो g है। तो मान लो ये x है, मतलब a में जो इनपुट है, a का डोमेन जो है वो x है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, gx बनेगा, सॉरी fx बनेगा। इसका इमेज b में क्या बनेगा, fx बनेगा। अब अगर fx हम किसको इनपुट दे देते हैं, g को, तो fx अगर हम g को इनपुट दे रहे हैं तो g fx बन गया, है ना, यही तुम्हारा बात हो गया। इसका मतलब ये जो a से c में फंक्शन आया, ये जो फंक्शन, इस फंक्शन को जीओ एफ बोले, और ये जीओ एफ देखो तो क्या हो रहा है तुम्हारा यहाँ पे, ये जो जीओ एफ है वो जो नया फंक्शन बना जीओ एफ, वो कहां से कहां, ए से सी, ए से सी, ठीक है, ये ए से सी में है। और एंड, एंड देखो जीओ एफ क्या है तुम्हारा, जी एफ एक्स है, एंड जीओ एफ एक्स इक्वल्स टू जी एफ एक्स फॉर ऑल एक्स belongs to A, और सारा x क्या है तुम्हारा, A का element है। इसका मतलब क्या हुआ कि f o x, f को जो input मिलेगा क्या मिलेगा, जियो f को जो input मिलेगा क्या मिलेगा, वो जो f को input मिल रहा है वही जियो f को input मिलेगा, ठीक है। इस तरह हम और बात कर रहे हैं, इसको नोट करो पहले, हो गया नोट, चलो देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो डोमेन ऑफ जीओ एफ एंड एफ ओ जी, ये गॉफ फंक्शन और फॉग फंक्शन, ठीक है। अच्छा गॉफ फॉग में फर्क क्या हो गया, अभी जो देखेंगे उसमें गॉफ फॉग में फर्क भी दिख जाएगा और क्या डोमेन होता है वो भी दिख जाएगा, ठीक है। हम लोग पहले बार बार क्या कर रहे थे, जीओ एफ कर रहे थे, तो उसमें पहला वाला फंक्शन एफ था, दूसरा वाला जी था, तो वो फंक्शन क्या बन गया, जीओ एफ। अगर पहला वाला फंक्शन जी हो, दूसरा वाला फंक्शन क्या हो, एफ हो, तो वो बन जाएगा एफ ओ जी, ठीक है। तो चलो देखते हैं थोड़ा सा, हम जीओ एफ के बारे में बात करते हैं, जीओ एफ के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मान लो ये एफ है और ये क्या है तुम्हारा, जी है, ठीक है। ये एक्स है, ये क्या है तुम्हारा, एफ एक्स है, और ये क्या है तुम्हारा, जी एफ एक्स है, ठीक है। तो जो एफ ओ जी आ रहा है तुम्हारा, एफ
ये जियो ऐप जो आ रहा है तुम्हारा। अच्छा जियो ऐप में देखो इनपुट किसका डालेंगे हम लोग, जियो ऐप में इनपुट यहाँ का डालेंगे। अच्छा ये क्या है तुम्हारा, ये वाला जो इनपुट जियो ऐप में डाल रहे हैं ये क्या है तुम्हारा, एक्चुअली में ऐप में जो इनपुट डाल रहे हैं, ऐप में इनपुट डालने कहने का मतलब ये जो एलिमेंट है वो ऐप का डोमेन है, ये एफ एक्स जो है वो ऐप का रेंज है, ये जी, ये एफ एक्स जो है वो जी का डोमेन है और जी एफ एक्स जो है वो जी का रेंज है। बात समझ में आया? तो उसी तरह अगर हम लोग जियो एफ की बात करते हैं तो जियो एफ तो का डोमेन जो क्या होगा वो एफ का डोमेन होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे, डोमेन ऑफ जियो एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ। तो जियो एफ का डोमेन क्या होगा, एफ का डोमेन होगा। सिंपल देख लो यहां पे सामने क्या एफ ना, तो क्योंकि इसमें जो इनपुट आएगा तो वो तो एफ को ही मिलेगा, तो डोमेन भी किसका होना चाहिए, एफ का ही होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जियो एफ में जो इनपुट आएगा, जियो एफ में जो हम डालेंगे वो तो एफ को डालेंगे ना, तो इसीलिए इसका डोमेन भी क्या हो जाएगा, एफ का डोमेन, तो डोमेन ऑफ एफ आ रहा है। दूसरा बात करते हैं हम लोग एफ ओ जी का, एफ ओ जी का समझो, मान लो ये वाला जी है और ये वाला एफ है, ये एक्स है, तो ये वाला चीज बाबू क्या हो गया, जी एक्स हो गया, और ये वाला चीज क्या हो गया, एफ जी एक्स हो गया। ठीक है, तो यहां पे तो क्या दिख रहा था, यहां पर क्या दिख रहा था, जी ओ एफ अगर एक्स था तो हमारा क्या आ गया, जी एफ एक्स आ गया था। ठीक है, और यहां पर जो ये फंक्शन है यहां से इसको बोलेंगे एफ ओ जी, और यहां पर जो है तुम्हारा एफ ओ जी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एफ जी एक्स आ जाएगा। अब थोड़ा देखो ध्यान से यहां पर कि भाई एफ ओ जी का डोमेन क्या होगा, तो डोमेन एफ ओ जी, एफ ओ जी का डोमेन क्या होगा, तो साफ साफ पता चल रहा है इस पे जो तुम इनपुट डालोगे कहां इनपुट डालोगे, यहां जी पर ना इनपुट डालोगे, तो जी किसको एक्सेप्ट करेगा, जो जी के डोमेन में होगा, तो जी का डोमेन में ये है तुम्हारा जी का डोमेन, तो हम लोग क्या करेंगे, डोमेन एफ ओ जी इक्वल टू डोमेन जी। ठीक है, ये है तुम्हारा। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि अगर तुम्हारे पास एफ ओ जी या जियो एफ या जो भी हो तो तुम्हारा उसमें डोमेन क्या होगा, जो सबसे पहले यहां पर ये ध्यान देना है, एफ ओ जी है तो इसका डोमेन क्या होगा, जी का डोमेन हो गया, जियो एफ है तो जियो एफ का डोमेन क्या हो गया, एफ का डोमेन हो गया। समझ में आया बात? तो ये हमारा क्या हुआ, एफ ओ जी जियो एफ का डोमेन हो गया। ठीक है, अब चलो एक बात और इसमें देखते हैं, वेन जियो एफ और एफ ओ जी डिफाइंड, कब मेरा एफ ओ जी और जियो एफ क्या होता है, डिफाइंड होता है, इस बात को हम लोग देखते हैं। तो देखो थोड़ा ध्यान से कि वेन जियो एफ और एफ ओ जी इज डिफाइंड, कब मेरा जियो एफ और एफ ओ जी डिफाइंड होता है, तो समझो कि कब डिफाइंड होगा मेरा एफ ओ जी और जियो एफ। तो जैसे मान लो हम लोग पहला बात कर रहे हैं जियो एफ का, तो जियो एफ का देखो तो कैसा आ रहा है, ये आ रहा है, ये वाला क्या है तुम्हारा एफ है, ये वाला क्या है तुम्हारा जी है, तब ये क्या है तुम्हारा जियो एफ है। मान लो ये एक्स है तो ये क्या है तुम्हारा एफ एक्स है, और ये क्या है तुम्हारा जी एफ एक्स है। ठीक है, अच्छा देखो कब डिफाइंड होगा, एक ही कंडीशन होता है कि ये x तो इनपुट डाल दिए तो इसका आउटपुट क्या आया, एफ एक्स हो गया, इसका मतलब f का जो रेंज है वो एफ एक्स है, और g का जो डोमेन है वो भी क्या होना चाहिए, एफ एक्स होना चाहिए। कहने का मतलब ये जो इस वाले सेट का जो f का जो रेंज बनेगा ना, वो जो f का रेंज बनेगा वो हर हाल में g के डोमेन में होना चाहिए। अगर g के मान लो इसका बन गया कुछ इमेज और इसमें है ही नहीं, जब इसमें है ही नहीं, कहने का मतलब क्या हो रहा है, कहने का मतलब क्या हो रहा है कि मान लो कोड दिया हुआ था, हम बचपन बात कर रहे थे रोल नंबर का, मतलब 100 है, ठीक है, और तुम देखोगे कि 100 100 आदमी का रोल नंबर है। अब क्या हुआ कि इसमें से किसी एक का कोड ही नहीं मिला, तो जब एक का कोड ही नहीं मिलेगा तो उसका क्या होगा, रिजल्ट भी नहीं आएगा, उसका मार्क्स भी पता नहीं चलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना इसमें एलिमेंट है सबका कोड जो तो होना जरूरी है, कोड किसमें होना जरूरी है, जी का
डोमेन में उसका कोड, अगर यहाँ कोड ही नहीं होगा तो फिर हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया, तो ये जो रेंज है एफ एक्स, ये जी के डोमेन में होना जरूरी है, कि अगर एफ का रेंज जी के डोमेन में है तो जीओ एफ डिफाइंड होगा, और अगर एफ का रेंज जी के डोमेन में ही नहीं है तो क्या होगा, जीओ एफ डिफाइंड नहीं होगा। तो क्या हो गया इसका मतलब, कि जीओ एफ इज डिफाइंड ओनली व्हेन, जीओ एफ कब डिफाइंड होगा, ओनली व्हेन रेंज, रेंज ऑफ एफ, एफ का रेंज इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। जब ये बात होगा, मतलब रेंज ऑफ एफ, एफ का जो रेंज होगा वो जी के डोमेन का, अगर एफ का रेंज जी के डोमेन का सबसेट, जी का डोमेन का सबसेट कहने का मतलब एफ का रेंज का हर एक एलिमेंट जी के डोमेन में होना चाहिए, कम होगा चलेगा, है ना, एफ कम होगा चलेगा। लेकिन अगर मान लो एफ में ज्यादा एलिमेंट हो गया जी के डोमेन से, तो फिर क्या हो जाएगा, जीओ एफ डिफाइंड नहीं होगा। तो ध्यान रखना कि जीओ एफ डिफाइंड कब होता है, जब रेंज ऑफ एफ डोमेन ऑफ जी का सबसेट होता है। सेम इसी तरह से हम लोग बात कर रहे हैं एफ ओ जी का, एफ ओ जी का बात कर रहे हैं, थोड़ा देखो ध्यान से, ये वाला जी है और ये वाला एफ है, यहां एक्स डालें, ये वाला जी एक्स आ गया और ये वाला क्या आ गया, एफ जी एक्स आ गया। अब देखो तुम्हारा ये जो एफ ओ जी है, अब ये एफ ओ जी डिफाइंड कब होगा, जब जी का रेंज जो है वो एफ के डोमेन में हो, जी का रेंज एफ के डोमेन में हो तब ये डिफाइंड होगा, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होगा। बात समझ में आ रही है मेरी, तो चलो देखो ध्यान से, यहां पर क्या होता है कि एफ ओ जी इज डिफाइंड ओनली व्हेन, ये कब डिफाइंड होगा, जब रेंज, रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, जी का रेंज एफ का डोमेन का सबसेट होगा तब एफ ओ जी डिफाइंड होगा। तो समझ में आ गया होगा कि कब जीओ एफ डिफाइंड होता है और कब एफ ओ जी डिफाइंड होता है। चलो इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन कर रहे हैं कि लेट एफ 1, 3, 4, 2, 1, 2, 5 एंड जी 1, 2, 5, 2, 1, 3 be given by fx equals to 1, 2, 3, 5, 4, 1 and g equals to, ये f है, f equals to then given by f equals to इतना और g equals to 1, 3, 2, 3, 5, 1 ठीक है, राइट डाउन जीओ एफ, हमको क्या करना है जीओ एफ। तो समझो, देखो क्वेश्चन क्या है कि लेट f 1, 3, 4, 2, 1, 2, 5 मतलब f एक फंक्शन है 1, 3, 4 से 1, 2, 5 में, g एक फंक्शन है 1, 2, 5 से 1, 3 में और b गिवन है और f दिया हुआ है 1, 2, 3, 5, 4, 1 और g दिया हुआ है 1, 3, 2, 3, 5, 1 तुमको क्या लिखना है जीओ एफ लिखना है, राइट डाउन जीओ एफ ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन, देखो क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास, जो हमारे पास गिवन है वो देखो गिवन है क्या, एफ जो है वो फंक्शन दिया हुआ है
1, 3, 4 से लेकर 1, 2, 5, और जी जो फंक्शन दिया हुआ है 1, 2, 5 से लेकर 1, 3 तक, ठीक है, ये दिया हुआ है। अच्छा एंड एफ देखो क्या दिया हुआ है, 1, 2 दिया हुआ है, 3, 5 दिया हुआ है, 4, 1 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। एंड जी देखो क्या दिया हुआ है, 1, 3, 2, 3 और 5, 1 दिया हुआ है। अब थोड़ा देखो इसको ध्यान दो, एफ का वैल्यू जो 1, 2 है, 3, 5 है, 4, 1, इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज इसका मतलब ये हुआ, एफ को अगर वन इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। एफ को अगर 3 इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। और एफ को अगर इनपुट हम लोग 4 देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और दूसरा बात, जी को इनपुट हम लोग 1 देंगे तो 3 मिलेगा, जी को इनपुट हम लोग 2 देंगे तो भी 3 मिलेगा, और जी को इनपुट हम लोग 5 देंगे तो भी क्या मिलेगा? 1 मिलेगा हमको। समझ में आया? अच्छा 9, अब थोड़ा देखो हमको क्या लिखना है, जियो एफ 9। तो हमको तो सबसे पहले अगर जियो एफ हमको लिखना है तो जियो एफ का डोमेन पता होना चाहिए। तो 9 डोमेन जियो एफ, तो हम क्या बोले थे कि जियो एफ का डोमेन क्या होगा, इस एफ का डोमेन होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, डोमेन एफ। जियो एफ का डोमेन क्या होगा तुम्हारा, डोमेन एफ। अच्छा डोमेन एफ देखो ध्यान से क्या है, ये एफ का डोमेन है, तो क्या आ रहा है तुम्हारा, एफ का डोमेन 1, 3, 4, ठीक है। इससे क्या पता चला कि जियो एफ को जो हम लोग इनपुट डालेंगे वो क्या डालेंगे, 1 डालेंगे, वो 3 डालेंगे और वो 1, 4 डालेंगे। तो जियो एफ इनपुट 1 डाल दो, तो 1 अगर जियो एफ में 1 इनपुट डाल रहे तो ये क्या हो गया, जी एफ 1। अब तुम थोड़ा देखो जी और एफ 1 का वैल्यू ढूंढो, एफ 1 का वैल्यू देखो क्या हमारा 2 आ गया, जी 2, और जी 2 का वैल्यू देखो तो जी 2 का वैल्यू देखो क्या यहाँ पे हमारा 3, ऐसा हो गया। दूसरा देख लो, जियो एफ 1 हो गया, अब 3 डालो, जियो एफ का डोमेन में देखो 3 है तो जियो एफ में 3 डाल रहे हैं, तो जी ये क्या आ रहा है, एफ 3 और जी एफ 3, एफ 3 ढूंढो, एफ 3 देखो कितना है, 5 है, तो ये हो गया जी 5, और जी 5 देखो कितना है तुम्हारे पास, जी 5 क्या है तुम्हारा, 1 है, ये हो गया तुम्हारा 1। और जियो एफ और देखो डोमेन में क्या है तुम्हारा, 4 है, तो जियो एफ 4, इसको क्या लिखेंगे, जी एफ 4 हो गया, और जी एफ 4 का वैल्यू देखो क्या अपना 1 है, तो जी 1, और जी 1 का वैल्यू 3 है, तो ये हो गया तुम्हारा 3, ठीक है। तो अब थोड़ा देखो ध्यान से, तो हमारा तो दिस इंप्लाइज, तो जियो एफ इक्वल टू जियो एफ 1 डाल रहे हैं इनपुट तो आउटपुट क्या आ रहा है, 3, तो जियो एफ क्या आ रहा है तुम्हारा, 1, 3 आ रहा है, 3 डाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 कितना आ रहा है, 3, 1 आ रहा है, और 4 डाल रहे हैं तो कितना आ रहा है तुम्हारा, 3, और क्या आ रहा है तुम्हारा, 4, 3 आ रहा है, ये क्या है तुम्हारा, है ना, समझ में आया क्या होता है तुम्हारा जियो एफ। तो इस तरह से हम लोग जियो एफ निकालते हैं, ठीक है। तो चलो इसको नोट करूं, चलो देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड जियो एफ एंड एफओ जी इफ, पहला देखो एफ एक्स इक्वल टू मोड एफ एंड जी एक्स इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास, मोड 5x-2, ऐसा है, ठीक है। तो चलो देखो हमको क्या करना है, जियो एफ और एफओ जी निकालना है, ठीक है। तो समझो बात, तो सॉल्यूशन पहला निकाल रहे हैं जियो एफ
एक्स, तो जीओ एफ एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, जी एफ एक्स। अब थोड़ा यहां पर बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है समझना कि जी एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या है हमारा, एफ एक्स है मोड एक्स, तो जी मोड एक्स ये है हमारा, हम लोग एफ एक्स के बदले में लिखते हैं जी मोड एक्स। अब यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है, जी एक्स देखो क्या है तुम्हारा, मॉडुलस 5x-2, तो बस ये यहां पे जी, क्योंकि एक एफ एक्स में तो इनपुट करना बहुत आसान था, जी में क्या आ गया तुम्हारा, अब तुम्हारा एक्स नहीं बचा, एक दूसरा फंक्शन टाइप का आ गया, दूसरा एक फंक्शन आ गया, मोड एक्स आ गया, एक फंक्शन आ गया। तो यहां पे हम लोग पढ़ने में थोड़ा सा चेंज कर देंगे, इसको पढ़ेंगे कैसे हम ना, पढ़ने में ही इसका सोल्यूशन आ जाएगा हमारा। तो देखो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, जी एक्स इक्वल टू, मतलब जी एक्स को इनपुट बोलते हैं, जी इनपुट इक्वल टू मॉडुलस 5 इनपुट-2, ठीक है, इसको लिखते हैं मॉडुलस 5 इनपुट, इनपुट की जगह क्या आ गया तुम्हारा मोड एक्स, इनपुट की जगह क्या है तुम्हारा मोड एक्स, तो 5 इनपुट-2, ये क्या है तुम्हारा -2। फिर से देखो हम लोग जी एक्स को क्या पढ़े, मॉडुलस 5 इनपुट-2, जी मॉडुलस ये जी इनपुट इक्वल टू 5 इनपुट-2, यहां था ना जी इनपुट इक्वल टू 5 इनपुट-2, जी इनपुट इक्वल टू 5 इनपुट-2, ठीक है, यही हमारा क्या हुआ जीओ एफ एक्स, यही आंसर हो गया, ठीक है, क्योंकि हम लोग मॉडुलस एक्स को तो कुछ बोल नहीं पाएंगे, कुछ पता नहीं है कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो बस यही हम लोग छोड़ देंगे। चलो दूसरा, एफ ओ जी एक्स इक्वल टू क्या हो रहा है एफ जी एक्स, अब थोड़ा देखो ध्यान से, तो एफ जी एक्स तो बस यहां से उठा के सीधा रख लेंगे, तो मॉडुलस 5x-2। अब थोड़ा देखो, अब क्योंकि दूसरा हमारा एफ के साथ के कुछ फंक्शन आ गया, तो इसको पढ़ेंगे एफ इनपुट मॉडुलस इनपुट, एफ इनपुट मॉडुलस इनपुट, अभी ये इनपुट है तो एफ इनपुट मॉडुलस डाल देते हैं इनपुट, इनपुट में क्या है फिर से मॉडुलस 5x-2, तो भाई साहब ये तो पहले से ही मॉडुलस में है, ये तो पॉजिटिव ही होगा, तो फिर इस मॉडुलस का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है, तो बस हम लोग यहां पे लिख देते हैं मॉडुलस 5x-2, ये हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया कैसे हम लोग जीओ एफ और एफ ओ जी निकालते हैं, ठीक है। चलो अब इसका आगे दूसरा पर चलते हैं, देखो हमारा जो दूसरा फंक्शन है, दूसरा क्या है तुम्हारा एफ एक्स इक्वल टू 8x³, और जी एक्स क्या है तुम्हारा एक्स का पावर 1/3, ऐसा है जी एक्स क्या है तुम्हारा एक्स का पावर 1/3। चलो देखो तो सॉल्यूशन हम लोग क्या करते हैं, जी ओ एफ एक्स निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा जी एफ एक्स हो जाएगा, तो जी, अब देखो एफ एक्स का वैल्यू कितना है, एफ एक्स का वैल्यू है 8x³, तो यहां तो डायरेक्ट लिख लेंगे 8x³। अब हम लोगों को सोचना है क्योंकि जी एक्स बराबर है एक्स का पावर 1/3, तो अभी हम इसको, ये तो पूरा का पूरा एक्स है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, जी इनपुट इक्वल टू इनपुट का पावर 1/3, तो जी इनपुट इक्वल टू इनपुट का पावर 1/3, तो जी इनपुट, तो इनपुट इनपुट देखो क्या है तुम्हारा 8x³ का पावर 1/3, तो 8 का पावर 1/3 इनटू x³ का पावर 1/3, तो 8 का पावर 1/3 का मतलब 8 का क्यूब रूट हो गया, और 8 का क्यूब रूट कितना हो गया 2, और x का पावर 3 इनटू 1/3, तो 3 3 कट के क्या बच गया x, तो हमारा जीओ एफ एक्स कितना आ गया 2x आ गया, ठीक है, एंड एफ ओ जी एक्स। अब थोड़ा समझो एफ जी एक्स समझ लो, तो एफ और देखो जी एक्स क्या है हमारे पास एक्स का पावर 1/3, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो एक्स का पावर 1/3 कर देते हैं इक्वल टू, अब थोड़ा ध्यान दो, अब क्या कर रहे हैं हम लोग एफ इनपुट, तो एफ इनपुट क्या हो रहा है 8 इनपुट का क्यूब, एफ इनपुट 8 इनपुट का क्यूब, एफ इनपुट 8 इनपुट, इनपुट मतलब एक्स का पावर 1/3 का क्यूब, यही हो गया ना, एफ एक्स इक्वल टू एफ इनपुट इक्वल टू 8 इनपुट का क्यूब, एफ इनपुट इक्वल टू 8 इनपुट का क्यूब, तो 8 का तो 8 ही रह गया, और पावर का पावर मल्टीप्लाई होके क्या हो गया 8x हो गया, ये समझ में आया बात, तो ये तुम्हारा जीओ एफ और एफ ओ जी हो गया। चलो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं,
चलो देखो क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 बाय 6x माइनस 4, वेयर x नॉट इक्वल टू 2 बाय 3, सो दैट एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू 2 बाय 3। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो फंक्शन है वो एफ एक्स इक्वल टू ये है, और अपने को प्रूफ क्या करना है, एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो देखो सॉल्यूशन, हमको क्या करना है, एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा देखो एफ और एफ एक्स की वैल्यू देखो क्या दिया हुआ है, एफ एक्स की वैल्यू तो हम लोग सिंपली यही रख देंगे, 4x प्लस 3 बाय 6x माइनस 4, ऐसा रख दिया। अब थोड़ा देखो, अब ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये एफ इनपुट, तो अगर हम लोग इसको पढ़ते हैं एफ इनपुट इक्वल टू 4 इनपुट, तो 4 इनपुट की जगह पूरा आ जाएगा 4x प्लस 3 बाय 6x माइनस 4, 4 इनपुट प्लस 3 प्लस 3 बाय 6 इनपुट, 6 इनपुट की जगह क्या आ गया 4x प्लस 3 और 6x माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4। फिर से समझो एक बार, एफ एफ एक्स, एफ एफ एक्स की जगह तो तुम्हारा एफ एक्स दिया हुआ था, लिख दिया एफ एक्स, ठीक है एफ एक्स हो गया। अब यहां पे क्या है, एफ एक्स नहीं रखा, अभी एफ इनपुट पढ़ो इसको, एफ इनपुट, तो एफ इनपुट इक्वल टू 4 इनपुट, एफ इनपुट है तुम्हारा एफ इनपुट 4 इनपुट प्लस 3 बाई 6 इनपुट माइनस 4। ठीक है, अब बस इसको हमको सॉल्व कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहां पर एलसीएम ले लेते हैं, 6x माइनस 4, अभी इससे मल्टीप्लाई करो, 4 जा 16x प्लस 4 3 जा 12 प्लस 6 3 जा 18x माइनस 4 3 जा 12 बाय, यहां नीचे नीचे में भी देखो एलसीएम क्या आ रहा है तुम्हारा, 6x माइनस 4, 6 से मल्टीप्लाई करो 24x प्लस 18 और माइनस है यहां पे 24x माइनस माइनस प्लस 16, तो ये 24x 24x यहां कट गया, ये 12 ये 12 यहां कट गया, ये 6x माइनस 4 6x माइनस 4 यहां कट गया, ऊपर क्या बचा 18 प्लस 16 34x बाय 18 प्लस 16 कितना बचा 34, तो ये कट के कितना बचा x, तो यहां से क्या हुआ, दिस इंप्लाइज एफ ओ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। आ गया समझ में, तो ये तुम्हारा प्रूफ हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड एफ ओ जी 1 जी ओ एफ 3 एंड एफ ओ एफ 0 इफ एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2 और जी एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो चलो देखो सॉल्यूशन, हमारे पास क्या, पहले एफ ओ जी 1 निकालना है, तो देखो एफ ओ जी 1 निकालना है, इक्वल टू क्या होता है एफ जी वन, तो सबसे पहले अपने को क्या जरूरत है, जी वन की जरूरत है, तो यहां पर लिख लो, देखो जी एक्स इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर, तो जी वन इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 1 का स्क्वायर, और ये कितना आ गया 1, तो एफ और जी वन का वैल्यू देखो यहां से निकाले कितना आया 1।
अब अपने को क्या चाहिए, एफ वन। तो देखो तो एफ एक्स क्या है तुम्हारा, 3x-2 है, तो 3x, तो एफ वन क्या हो जाएगा तुम्हारा, 3 × 1-2, तो 3 × 1 = 3, -2 क्या आ गया, 1। तुम्हारा इसका आंसर क्या हो गया, 1 आ गया। ठीक है, अच्छा चलो अब दूसरा क्या देखना है हम लोगों को, GOF3। तो GOF3 देखो कैसे निकालेंगे, GF3 हो गया। अब पहला काम क्या करना है हमको, F3 निकालना है, तो इधर F3 निकाल लेते हैं। तो देखो FX क्या है तुम्हारे पास, FX है 3x-2, इसीलिए F3 क्या हो जाएगा तुम्हारा, 3 × 3-2, तो 3 × 3 = 9, 9 - 2 कितना आ गया, 7। इसका मतलब G और ये कितना आया, 7। ठीक है, तो ये G7 आ गया। अच्छा GX क्या है तुम्हारा, X2, तो G7 क्या होगा, 7 का स्क्वायर, तो ये आ गया 7 का स्क्वायर, कितना आ गया, 49। ठीक है, चलो एक और है हमारे पास, ये हो गया, लिख लो इसको। देखो अब क्या है तुम्हारा, FOF0, FOF0 = क्या हो गया, FF0। तो पहला काम तो अपने को F0 निकालना है। तो देखो यहां पे सिंस FX क्या है तुम्हारा, 3x-2, तो F0 क्या हो जाएगा तुम्हारा, 3 × 0-2 = -2। तो F और F0 का वैल्यू कितना आया, -2। अब अपने को क्या निकालना है, F-2। तो F-2 फिर यहां पे आएंगे, 3 × -2 - 2, -6 - 2, -8। तो FOF0 का वैल्यू कितना आ गया, -8। समझ में आ गया, ठीक है। चलो कुछ और एग्जांपल करते हैं, देखो क्वेश्चन क्वेश्चन है, इफ UX = 4x-5, VX = x² एंड FX = 1/x, फाइंड पहला UVFX, दूसरा UFVX, तीसरा FUVX, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, चलो देखो सॉल्यूशन। पहला क्या तुम्हारा UVFX = तो सबसे पहले तो हम लोग एफएक्स का वैल्यू रखेंगे, तो यू भी और एफएक्स, देखो अपने पास एफएक्स क्या है, एफएक्स है 1/x, तो 1/x। बस अब यहां से क्या करना है, पढ़ने में चेंज कर देना है अपने को, यू देखो उसको वीएक्स, तो वीएक्स क्या है तुम्हारा, x², इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, भी इनपुट, तो भी इनपुट, इनपुट का स्क्वायर, भी इनपुट, इनपुट का स्क्वायर, ये रहा। इसका मतलब क्या हो गया, U 1/x². ठीक है, अब फिर देखो यहां पे UX = 4x-5, इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको ऐसे पढ़ेंगे, U input 4 - 5, U input 4, इनपुट हो गया 1/x² - 5, तो मेरा आंसर आ रहा है 4/x² - 5। तो ये हो गया हमारा UVFX का। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं, नोट कर लो इसको, दूसरा देखो इसका, देखो दूसरा नंबर सॉल्यूशन वो पहला था, दूसरा UFVX। तो यू अभी पहले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, FVX उठा के सीधा X² डाल दो, कोई दिक्कत नहीं यहां पे। ठीक है, अब यहां से पढ़ना चेंज करो, तो ये आ रहा है UF input, देखो F input 1/input, तो 1/input ये आ गया X². ठीक है, अच्छा अब U input 4 into input X² -
फाइव, तो ये भी आंसर कितना आ गया, 4x² - 5। ठीक है, समझ में आया बात। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड नंबर क्वेश्चन, एफ यू भी एक्स इक्वल टू एफ यू भी एक्स, उठा के डालो, भी एक्स क्या है तुम्हारा, एक्स स्क्वायर है, भी एक्स क्या है तुम्हारा, एक्स स्क्वायर है। अभी थोड़ा देखो, एफ यू एक्स स्क्वायर मतलब यू एक्स है, यू इनपुट 4 इनपुट - 5, इसको क्या पढ़ेंगे, 4 इनपुट - 5, ऐसा हो गया। U x स्क्वायर है, U इनपुट 4 इनपुट - 5, 4 इनपुट - 5। अब क्या तुम्हारे पास fx, fx क्या है 1x, मतलब f इनपुट 1 by input, f इनपुट 1 by input, 4x² - 5, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया बात। तो उम्मीद करते हैं कि तुम लोग बहुत अच्छे से कंपोजिशन ऑफ फंक्शन सीख लिया होगा। ठीक है, तो आज हमारा क्लास यहीं पर एंड हो रहा है। हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे इनवर्स, ठीक है, इनवर्स फंक्शन। अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, इनवर्स फंक्शन। इसको आप लोग अच्छे से देखें और प्रैक्टिस करें। ठीक है, बाय।